सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। इससे पूर्व के अध्याय में द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में हमने यह जाना कि संसाधन से अभिप्राय क्या है, संसाधन भूगोल का उद्भव कैसे हुआ और उसकी महत्ता क्या है। इन द प्रायर चैप्टर वी लर्नड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिसोर्सेज, हाउ रिसोर्स ज्योग्राफी केम इन टू बींग एंड वॉट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। दिस इज वॉट ही हैड लर्नड इन द अर्लियर चैप्टर। हमें ये पता है कि संसाधन का मतलब मनुष्य के पर्यावरण में जो भी तत्व, दशाएँ या जीव जंतु हैं, जब वो मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं तभी वो संसाधन का रूप धारण करते हैं। वी नो दैट ऑल द एलिमेंट्स, द फैक्ट्स, कंडीशंस एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट व्हेन दे आर यूज्ड बाय मैन दे टेक द शेप ऑफ रिसोर्सेज। सो इन रिसोर्स ज्योग्राफी बेसिकली दिस ब्रांच इज रिलेटेड टू द स्पेशियल स्टडी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल मनुष्य के लिए उपयोगी प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के स्थानिक अध्ययन से संबंधित है। अब ये स्थानिक अध्ययन को यदि हम जानना चाहें संसाधन भूगोल के तहत, तो हम संसाधन भूगोल की प्रकृति को इन पांच बिंदुओं के तहत सरलता से समझ सकते हैं। वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी एज फॉलोइंग दीज फाइव पॉइंट्स गिवन इन द स्लाइड। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। पहला वाला जो एस्पेक्ट इसकी प्रकृति का है, संसाधनों की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। अब ये स्थानिक अध्ययन जो भिन्नताएं हैं उनका अध्ययन है, तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अध्ययन में प्राकृतिक और मानवीय तत्व जो हैं, जिन्हें संसाधन का रूप जिन्होंने धारण किया है, उनका वितरण, भंडार, उत्पादन, उपयोग तथा उनसे संबंधित समस्याएं, संरक्षण और प्रबंधन, ये सभी तथ्य जो हैं इनका अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। सो अंडर दिस द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच ऑल्सो इंक्लूड्स देयर यूसेज एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ऑल दीज आस्पेक्ट्स आर स्टडीड इन रिसोर्स ज्योग्राफी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। दूसरा है कि यह अंतर्विषयक एवं संश्लेषणात्मक विज्ञान है। इट इज एनालिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। अब इसको हम ये दोनों शब्दों के तहत जानेंगे, अंतर्विषयक और संश्लेषणात्मक। तो अंतर्विषयक जो इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें क्या है कि समाज की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता का आकलन किया जाता है। तो मतलब ये तीन विषय हो गए कि समाज से संबंधित, जो प्रकृति से संबंधित और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी तत्व हैं उनका आकलन किया जाता है। इन दिस व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी, दिस रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टडी। सो थ्री डोमेन्स आर कवर्ड, दैट इज द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डोमेन ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। सो इन दिस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी आर स्टडीड। दूसरा जो बात हमने कही कि विश्लेषणात्मक है या संश्लेषणात्मक है, दैट इट इज़ एनालिटिकल, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड एनालिसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंतर्गत जो मानव के लिए उपयोगी प्राकृतिक और मानव संसाधन की उपलब्धता है उसकी जानकारी ली जाती है तथा उनकी विशेषताओं का विश्लेषण इसमें किया जाता है। Therefore, it can be said that it is interdisciplinary। कई सारे पक्षों का समावेश है इस अध्ययन के अंतर्गत और साथ ही साथ में जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता और की विशेषता, उपलब्धता और विशेषता
दोनों का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इसका तीसरा पक्ष है आर्थिक भूगोल की, यह एक उपशाखा है। इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इससे पूर्व अध्याय में हमने जाना कि किस तरह से भौतिक और मानव भूगोल के अंतर्गत बांटी गई थी, दो शाखाओं में बांटा गया था इसके ज्ञान को। फिर मानव भूगोल में उसके क्रियाकलाप और उसके अंतर्गत हमने आर्थिक भूगोल के विषय में जाना, और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही कि किस तरह से मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप संसाधनों से जुड़े हुए हैं। तो ये संसाधन भूगोल जो है ये आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। अब इसके अंतर्गत क्योंकि आर्थिक भूगोल की उपशाखा है तो इसमें कई सारे जो कारक, यह इसके अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप, इन क्रियाकलापों के प्रतिरूप, कारक एवं प्रक्रमों के अध्ययन को भी विशेष महत्व दिया जाता है। और यह हम जाने, अगर उदाहरण के लिए देखें तो संसाधन से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अध्ययन इसमें किया जाता है। सो दिस द स्टडी, इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्रांच दैट डील्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द स्ट्रक्चर्स, फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस। सो द ब्रांच फोकसेस द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वेरियस रिसोर्सेज। अब जो भिन्न संसाधन हैं उनको हम बिंदुओं के तहत और स्पष्ट तरीके से पहचानते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन की बात कहें हम तो प्राकृतिक संसाधन में यदि हम मिट्टी और जल की बात करते हैं तो उससे जुड़े हुए क्रियाकलाप क्या हैं जिनका अध्ययन इसके इसमें किया जाता है संसाधन भूगोल में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर द नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन इंक्लूड, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड सॉइल एज टू रिसोर्सेज एंड द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द टू आर विद द सॉइल, इट इज़ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी दैट इज एसोसिएटेड एंड विद वाटर इट इज़ फिशिंग, नेविगेशन एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन। तो किस तरह से इस प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए आर्थिक क्रियाकलाप का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये आर्थिक भूगोल की उपशाखा है तो आर्थिक क्रियाकलाप संसाधन से कैसे जुड़े हुए हैं इसके विषय में हम जान रहे हैं। दूसरा यदि हम लें जैविक संसाधन के बारे में, इफ़ वी टॉक अबाउट द बायोटिक रिसोर्सेज तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनसे संबंधित क्या आर्थिक क्रियाकलाप हैं। सो इन दिस वी स्टडी अबाउट द फौना द एनिमल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स द एक्टिविटीज रिलेटेड विद द एनिमल्स इज हंटिंग, कैटल रेयरिंग एटसेट्रा। तो हम जो पशु, अगर जैविक संसाधन में हम पशु की बात करें तो उससे जुड़े हुए आर्थिक क्रियाकलाप आखेट, पशुपालन इत्यादि हैं। और जो फ्लोरा है, जो वनस्पति है, उससे क्या है वनोद्योग, जो वन पर आधारित उद्योग हैं उन आर्थिक क्रियाकलापों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोरा। अब तीसरा खनिज की, तीसरे संसाधन की हम बात करें, खनिज संसाधन, तो जो मिनरल्स हैं उनसे रिलेटेड क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें खनिज से संबंधित विनिर्माण उद्योग और खनन को हम इसके अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मिनरल्स द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग आर ऑल्सो द एक्टिविटीज़, सच एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो स्टडीड। और ऊर्जा तत्व की बात कहें, इफ़ वी टॉक अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज सो द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द एनर्जी रिसोर्सेज आर ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशंस एट्सेट्रा। तो ऊर्जा तत्व की यदि हम बात करें तो उससे जो मनुष्य के क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं वे हैं परिवहन, उद्योग, संचार इत्यादि। अब हम एक और संसाधन की बात करते हैं मानव। Now let's talk about the human resource and what are the activities, economic activities associated with human. तो मनुष्य से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं, वे हैं व्यापार, उद्योग, संचार, वाणिज्य इत्यादि। तो under this human resource the activities associated with it are trade, industries, communication and other commercial activities. तो जो तीसरा पक्ष हमने कहा
हमने चर्चा की कि यह आर्थिक भूगोल की उपशाखा है, तो हम संसाधनों को का अध्ययन जरूर करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो इस भूगोल की शाखा का अभिन्न अंग है। चौथा बिंदु है, यह एक परिवर्तनशील विज्ञान है, इट इज़ डायनेमिक साइंस। अब ये हमें पता है कि जो मनुष्य के चारों ओर जो संसाधन उसे प्राप्त हैं पर्यावरण से, वो आदिकाल से वर्तमान तक जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करता गया, तो उन संसाधनों का उपयोग उस मनुष्य की क्षमता कौशल इसके आधार पर और विकास के आधार पर निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहा। सो द इट इज़ अ डायनेमिक साइंस दैट सिंस एंशियंट टाइम्स देयर हैज़ बीन कंटिन्यूअस चेंज इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द यूसेज बाय मैन, हिज स्किल, हिज केपेबिलिटी एंड ऑल्सो डिवेलपमेंट। तो ये जो है कहीं कहीं पर जो पूर्व में भौतिक संसाधन हुआ करते थे, आज मनुष्य के ज्ञान के कारण उन्होंने तकनीकी संसाधन का भी रूप धारण कर लिया है, और ये स्थिति द्वितीय वर्ष विश्व युद्ध के बाद उभर कर आई। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज दे हैव टेकन द शेप ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ मैन। तो हम ये जो कह रहे हैं कि ये परिवर्तनशील विज्ञान है, यानी कि जो हम संसाधनों के विषय में इसमें अध्ययन करते हैं, उसका आदिकाल से वर्तमान तक मनुष्य की आवश्यकता, उसके कौशल, उसके विकास इत्यादि कारकों के प्रतिफल में निरंतर परिवर्तित होता रहा है। और इसका पांचवां जो प्रकृति का अहम पहलू है, वो ये कि एक सामाजिक विज्ञान है, इट इज़ बेसिकली अ साइंस सोशल साइंस, दैट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। अब क्योंकि हम जितने भी संसाधन, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, वो किसी न किसी तरह से मनुष्य से संबंधित है, और मनुष्य के जो समाज का स्वरूप है, उसके समाज के जो भिन्न पक्ष हैं, उनसे इन संसाधनों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उनके स्वरूप और उनकी उपलब्धता, उनकी उपयोगिता पर बहुत गहन प्रभाव पड़ता है। अतः सामाजिक गुण प्रधानता, जैसे कि मनुष्य का ज्ञान, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन, सहकारिता, राजनैतिक संगठन, सांस्कृतिक विकास आदि के माध्यम से ही कोई भी तथ्य संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सो इट इज़ सोशल साइंस, any element, condition, etc. become a resource when it is used by man. So the social element plays vital role in shaping the resources, and resources owe their existence to social properties like human knowledge, technology, society development, social organizations, cooperatives, political organizations and cultural development. तो ये सारे बिंदुओं के तहत हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि संसाधन भूगोल की प्रकृति क्या है। इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, ये संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को परिलक्षित करते हैं, यह दर्शाते हैं कि इसके अध्ययन के अहम पहलू क्या हैं।